हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप अब बने रहे हैं हमारे न्यू ब्लॉग में, सृष्टि राहत एंड फैमिली ब्लॉग में। तो आज की रोज़ की दिनचर्या बताऊँगी, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि अब ब्लॉग ऐसे ही घर से बनेंगे, और कभी कहीं के, कभी कुछ अलग से वो भी बनते हैं बीच में, लेकिन फिर भी घरेलू ब्लॉग हमारा फैमिली ब्लॉग है। कुछ घर के भी हो जाएंगे, कुछ बाहर के भी हो जाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहना। और सुबह का नहाना धोना, कपड़े सब हो चुके हैं, पूजा हो चुकी है। देखो, पूजा हो चुकी है गाइस, और कपड़े वगैरह सब धो लिए हैं, बाहर डाल दिए हैं। मौसम भी अच्छा हो रखा है, और अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा मतलब गर्मी कम हो गई। अब काफ़ी पंखे तो अभी भी चल रहे हैं, पर फिर भी काफ़ी कम हो गई है। हो सकता है धीरे धीरे ठंड बढ़ जाए, सर्दियों का टाइम आने वाला है, तो स्वागत है सर्दी का भी। गर्मी से भी बहुत परेशान हो गए थे हम, तो अब धीरे धीरे सर्दी एक दो ही महीने तो रहती है, जनवरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। नवंबर तो लगने वाला है, तो उतनी ठंड नहीं है। दिसंबर और जनवरी में फरवरी से फिर धूप हो जाए, दो महीने ठंड के। अब बाकी पूरी गर्मी झेल ली हमने, 10 महीने। और अब शेरों को देखो, का अलग ही स्वैग है अपना। ये देखो, सो खाया, सो के आ गया बाहर बालकनी में अपने को दिखाने के लिए। अब मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ ना, तो ये सोच रहा था किससे साथ बात कर रही है मम्मी, तो ये भाग गया बाहर, अभी बालकनी में आ गया। ये बच्चा देखो, ये देखो, ए देखो, क्यों अंदर क्यों नहीं सोया? अभी तो बेड में सो रखा था, डबल बेड में, बिल्कुल चौड़ा होके खा पी के सो जाता है। अब आ गया यहाँ पे, इसने सोचे बात कर रही है, किससे कर रही है, तो आ गया देखने के लिए। इसको देखना है सबसे पहले, धीरे धीरे सुधर रहा है, पर उसको ये है कि मेरे घर में जो आए तो पहले मेरे को दिखाए, वहाँ पर मेरे को ले जाओ, बिठाओ, देख के तब चुप हो जाता। और अगर हमने बंद कर दिया और हम सोचते कोई डरे, भाई किसी को नहीं है, डर लगती है डॉग से, तो ये बिल्कुल हो जाता है फिर शेरू का बन जाता, शेर ये बन जाता खतरनाक। क्यों मेरे को बंद किया, कौन है वहाँ पे ऐसा जो मेरे को बंद किया तुमने? तो इसका ये, अगर हम खुला ही रखेंगे ना, कोई भी आएगा बिठा देंगे, चल बेटा बैठ जाए, नीचे ना कुछ भी नहीं, तो चुप शांत हो जाता है। और अगर हमने बंद कर दिया दरवाज़ा, किसी ने बोला कि नहीं नहीं हमें डर लगती है, या बच्चों पे थोड़ा वो करता है कि मैं खेलूं इनके साथ, बच्चे डरते, तो ये हो जाता है फिर कि मेरे को बंद क्यों करा। शेरू यहाँ देखो, गुड मॉर्निंग बोलो, हेलो, यहाँ देख, यहाँ इधर, गुड मॉर्निंग बोल दे, ले गाइस, गुड मॉर्निंग, ये बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? नहीं बोलना, यहाँ देख सिरो, चलो घूमी, चलो पापा आगे घूमी, चलो हैं इसके लिए तो चट, चलो घूमी पापा, वो स्कूटी ले आए, जाना घूमी, नहीं ले जाएंगे इधर। गाइस, मैं बुल्ले को मिलने आई हूँ, तो सो रखा है, जब आती है सोता ही रहता है भाई, हैं उड़ता कब है। बुआ मिलने आई है बाबू, रात को उठता ही, अब रात को कौन आ रहा है इसको मिलने, बताओ हैं। मैं सोच रहा है उसको थोड़ा देख के आऊँ, मिल के आऊँ, सोया रहता है, फिर मैं नहीं आती कि इसका डिस्टर्ब हो जाएगा, और रात को उठता है, रात भर उठा रहता है, अब रात भर कौन आ रहा है इसको खिलाने के लिए, हैं हम तो दिन में आ रखे थे, मस्त करके सो रखा है। यह है अंकिता बिष्ट, इन्हें खड़ा कर, कुछ और भी नहीं कर भैया, अंकिता बिष्ट, अंकिता करो घर मारू मी, अरे बुल्ले को मिलने, अंकिता को मिलने, वो आज का ड्यूटी, पापा ड्यूटी जा रखे हैं बुल्ले के, अरे ये तो मैं अदर मिली कंदू अब से नहीं रोला। मैं जा रही हूँ अब सहेली के घर, सहेली ने कर दिया बिल्कुल चकाचक घर को, देखो ये सफेदी उपेदी हो गई उनकी, पेंट वेंट सब, ये देखो हैं दिवाली की तैयारी हो चुकी है, देखो
घर की सफाई हो गई, ये देखो चकाचक चकाचक टकाटक, ये देखो ना 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 साफ हो रहा है, यहाँ बड़े हो रहे कलर भी बड़े करे है ना। और ये मेरा समा भी बलल कितना है मनिया, यही तो थक जाओ। अब तो मैं वीडियो देखो दीदी ना ज्यादा मां कौन से टाइम में रेंदा हुई खरद के जो है वाले, अब वीडियो देखो जरा भी बलल में रहने तब साफ सफाई तो फिर ऐसा पे हो के लेने हो सही। तो गाइस आ चुकी मैं सहेली के घर से भी, छोटे से बच्चे को मिल के भी, अब उसको मिलने जब जाती हूँ मैं सोया ही रहता है, तो कभी मैं वीडियो में दिखाती भी नहीं होगी यार छोड़ो, आज मैंने दिखा रखा है यार, मैं जब भी बुआ आती है देखने तब ये सोया रहता है। अब छोटे बच्चे का क्या बोलना, रात को सोता नहीं है तो फिर उसकी मम्मी सुबह उसको नहला धुला के दूध वूध पिला के तो उसको सुला देती है, कम से कम थोड़ा एक घंटा वो भी सोएगी उसके साथ। अब बच्चों का टाइम का कुछ पता नहीं होता, कभी वो दिन भर सोएंगे कभी वो रात भर सोएंगे, कभी वो बिल्कुल दिन में भी नहीं सोएंगे रात में भी नहीं सोएंगे, तो बच्चों को तो वैसे टाइम होता नहीं है फिक्स। तो अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ, फिर आके मैंने बना रखा है कड़ी पकोड़े, ये देखो कड़ी मेरी ये पकोड़े हैं और एक कड़ी मेरी उबल रही है खूब अच्छे से। तो बोलते हैं कड़ी को जितना उबालो उबालो, उबल तो चुकी है, मैंने पकोड़े भी डाल दिए उसमें उबल के, जितना पकाओ उतना अच्छा होगा। और ये भी बना रखे हैं मैंने पकोड़े, ये देखो आधे पकोड़े खाने के लिए बना रखे हैं और आधे उसमें मैंने उसमें तो मैं डाल चुकी हूँ बहुत, अभी थोड़ा खा भी लेंगे, थोड़ा बाहर दे भी दिए मैंने इनको खाने के लिए है ना। और इसमें मैंने सुबह तो मैंने साबुत दाल बनाई थी और अब इसमें बना रखा है चावल, तो चावल पकौड़ी ये सब खा रहे हैं बाहर बाहर वाले कमरे में। कड़ी भी देखो आधी निकाल दिया मैंने क्योंकि दे रखा खाने के लिए बाहर इनको, और शेर को पता नहीं क्यों भौंक रहा है, किसके लिए भौंक रहा है, इसका तो यही काम है। तो आज कड़ी पकोड़े और चावल और रोटी, ये साबुत दाल तो हमने सुबह बच्चों को टिफिन भी दे दिया। तो बस ये दिन की दिनचर्या है, अब शाम को क्या होता है बताऊंगी। नमक हरी सॉस पकौड़े कड़ी के साथ पकौड़े और रोटी खाऊंगी, चावल नहीं खा रही मैं, तबीयत खराब हो रही है मेरी आज का। अब आ रखी हूँ मैं बाजार और मेरे साथ आ रखे सुमन, मैं आ रखे मार्केट, ये देखो सब्जी शुरू कर रहे हैं हम लेना। गाइस आ गए हम सब्जी लेने के लिए मार्केट में, ये देखो क्या भीड़ हो रखी है चारों तरफ से, सब्जी मार्केट में मच्छरों की भीड़, लोगों की भीड़, गाड़ियों की भीड़, सब्जी की भीड़। अब ले रहे हैं हम हरी सब्जी, ये देखो हरी सब्जी सबसे ज़्यादा थी, ये कर रहे हैं परेशान भाई कीड़े। ले लिए यहाँ पे संतरे भी, अब चलते हैं आगे सब्जी मंडी सब्जी मार्केट। गुरुवार का देखो क्या भीड़ हो रखी है। अब जा रहे हैं हम घर, दे दियो ना भैया। तो गाइस आ चुके हम मार्केट से, अब देखो ये सब्जी भी सब ले आए हैं। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, सिस्टर रात एंड फैमिली ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।